जस पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का जी आया नूं, मैं हाँ तुहाडे नाल हरकीरत सिंह आलूवालिया लैके हाजिर हाँ तुहाडा हरमन प्यारा प्रोग्राम जस कैमरे की नज़र। दोस्तों वो प्रोग्राम जिस विच असीं तुहानूं दर्शाउण की कोशिश करते हैं कि कुछ वापरिया पिछले वीक नॉर्थ अमेरिका दे विच। नॉर्थ अमेरिका दे विच खबरां जिहड़ियां इस वार सुरखियां बणियां करदे आं उहनां दे नाल सांझ। पहली खबर न्यू जर्सी एडिसन तो सामने आई है जिथे इंडिया डे परेड 14th इंडिया डे परेड बनाई गई। इस इंडिया डे परेड के वक् वक् सैलीब्रिटीज़ ने जिमें कि अनुपम खेर ते नाल ही रिचा अनिरुद्ध ते प्राची तहलान वर्गे सैलीब्रिटीज़ ने शमूलियत की। कल्चर प्रोग्राम इस परेड के उसारे गए कि कुछ कैद होया साडे कैमरे दे विच, आओ पाने एक झलक। ते जिवें असीं दोस्तों तुहानूं दस रहे हैं कि इंडिया डे परेड जिहड़ी है वख-वख ऑर्गनाइजेशनस वल्लों कढ़ियां जा रही हैं।
इसी गल नूं अमली जामा पहनांदे होए इंडियन कम्यूनिटी सेंटर हिक्सवल विखे भी इंडिया इंडिपेंडेंस डे दा आगाज किया गया। इस विच वक वक एसोसीएशनस दी जिहड़ियां ऊंगियां शख्सियतां ने उन्होंने हाजरी भरियां ते नाल जिहड़े सपोर्टर सीगे उन्होंने भी हाजरियां भरियां। कल्चर प्रोग्राम इस कम्यूनिटी सेंटर दे विच कराए गए। भारत तों ते वक वक कम्यूनिटीज़ तों इस प्रोग्राम दे विच लोकां ने शमूलियत की। आओ पाने एक झलक की कुछ कैद होया साडे कैमरे दे विच। आप ये बताइए, भारत की आज़ादी के इस जश्न में शामिल होकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि हम अमेरिका में भी इंडिया का आज़ादी का दिन मना रहे हैं एंड वी लव द फ्रीडम व्हिच वी गॉट इट फ्रॉम द ब्रिटिश। मैडम एक बात बताएं, भारत से हजारों मील दूर आज़ादी के इस जश्न को में शामिल होकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? इससे बढ़िया हम इस कंट्री में और क्या कर सकते हैं। सो सबसे बढ़िया चीज़ है वहाँ पे, यहाँ पे बहुत अच्छी कम्युनिटी है एंड वी ऑल आर हियर टू सेलिब्रेट 72nd इंडिया इंडिपेंडेंस डे। Enjoying the
freedom of this oldest democracy. They understand the value. So they are enjoying the freedom. They are celebrating the freedom regardless of is in India or is here in the world. The freedom lover people, they are together and enjoying. अच्छा आज मैं आपको 15 अगस्त की सबको शुभकामनाएं देती हूँ. हैप्पी 72nd इंडिपेंडेंस डे टू ऑल द व्यूअर्स ऑफ द जस्ट नेटवर्क आई विल से. और जस्ट हिंदी के लॉन्च होने के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं. आपको बहुत बहुत सक्सेस हो और आपको बहुत सफलता मिले. और हम चाहते हैं कि जस्ट पंजाबी जस्ट नेटवर्क और भी बढ़े, आगे जाए. और आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे सारे प्रोग्राम कवर करते हैं. ਜਿਵੇਂ 15 ਅਗਸਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਆ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. ਭਾਰਤ 71st ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਡੇ ਪਰੇਡ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਹਨ. 3rd ਇੰਡੀਆ ਡੇ ਪਰੇਡ ਫਲੋਰਲ ਪਾਰਕ ਹਿਲਸਾਈਡ ਵਿਖੇ ਕੱਢੀ ਗਈ, ਕੁਵੀਨਸ ਵਿਖੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿਖੇ. ਕੀ ਕੁਝ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਜਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਓ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਝਲਕ. Bharat Mata Ki. Thank you so much. I am so honored to be part of this very special event. You know, it's a beautiful day out, isn't it? And we have so many beautiful people here celebrating India Day, which is just next Wednesday, a day that is so important for so many people around the world and so many people right here in our community in New York. It is my honor to be here today with all of you. As everybody is saying that no matter rain and shine, we are going to march and we are going to show our unity. As we all know that Vasudevam Kutumbakam, the whole world is our one family, and we showed it today on Hillside Floral Park. And I would like to congratulate Floral Park Merchant Association, Subhash Thapaji and Koshi ji, for putting up so much hard work for this wonderful event. I am from Assemblyman David Wapron's office. And his office is the most diverse state assembly office in New York State. And whenever he goes around, I always introduce him as the first elected Jew, South Asian Jew. And from him and on behalf of his staff, we congratulate you on this wonderful day, irrespective of the rain. Look at the crowd. तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुहाग, हैप्पी बर्थडे टू यू. हेलो एवरीवन, I hope you enjoying. Even though it was raining, you guys are here, you know. I mean, a big round of applause for you guys, you know, for making it up. So, thank you so much, thank you so much. And yes, it's been amazing. So, like, I mean, it was amazing. There's a different feeling when you see everybody around and we are, you know, shouting slogans, Jai Hind. So, thank you so much. Honorable Excellency, the Lieutenant Governor, Catherine, Archer, and madam, thank you for coming. It's wonderful to have you here, and braving the rain, all of you are here, and all the other dignitaries that are here. I'm really, really proud to see you people out here. Wonderful proclamation on behalf of Governor Cuomo and I, but we don't let the rain bother us at all, do we? This is a wonderful celebration. I just flew in from Buffalo, New York, where's my home. The flights were a little delayed because of the weather, but I said I must come here. I cannot miss this incredible celebration. I'm so happy I was able to come, and also just to celebrate the largest democracy in the world, India, along with the oldest democracy, the United States of America. So this is what we're all about. We celebrate the incredible Indian culture, the music, the way the Indian families put such an emphasis on education. Honorable Lieutenant Governor Kathy, Honorable Congressman Grace Meng, Honorable New York Senator Tony Avella, Honorable New York State Senator Leroy, Honorable New York State Assistant Controller Joseph Galante, Honorable Council Consumer Affairs, Consulate General of India
Mr. K. Devdarshan Nair, Honorable Town of North Hempstead Supervisor Judy Bosworth, and many, many all dignitaries. Dignified guests, respected members, the friends, ladies and gentlemen, it is our pleasure to welcome you all for our 71st Indian Independence Day celebration. To wish you all a happy independence. Thank you. First of all, thank you for inviting me to be part of this today. And the rain held off. How about that? But it has been my pleasure to represent the Indian American community for the past 8 years in the Senate. I've learned a lot. We've worked together on a lot of issues that are important to your community. And I look forward to working with you for another 2 years. I am running for re-election this year. And by the way, John Liu said he's running for state senate. He didn't tell you he's running against me. So, you've supported me in the past. I need your support again. We have so many things to do together.